ये रेडमी का नोट 5 मॉडल है। ये मोबाइल हमारा फुल शॉर्ट था, इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपके पास MI नोट 5 अगर आता है शॉर्टिंग के लिए तो फुल शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग दोनों कंडीशन में इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर पावर सप्लाई लगाने, हमने इस मोबाइल को आप देख सकते हैं, इसका बैक पैनल है, हमने ऑलरेडी पहले इसको रिपेयर कर दिया है। इसमें पावर सप्लाई लगाने के बावजूद भी इसमें कोई हीटिंग नहीं आ रहा था, 4 वोल्ट बैटरी शॉर्ट कराने पर भी हीटिंग नहीं आ रहा था और ना ही मोबाइल चालू करने पर कहीं बोर्ड में गर्म नहीं हो रहा था। फिर भी हमने इसका शॉर्टिंग निकाल दिया है और आप हम आज को बताएंगे कि नहीं इसका शॉर्टिंग कैसे निकलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपोनेंट ये और ये, किसी आदमी ने इसको रिमूव किया था, देख सकते हैं क्रेटले इधर से पीछे से डैमेज है, थोड़ा थोड़ा सटा दिए हैं ऐसे हम शोल्डर से। इसको मोबाइल में भले साफ ना दिखाई दे मगर मैं बता दे रहा हूँ आपको ये और ये, मगर यहाँ से शॉर्टिंग नहीं था। हमारा कहने का मतलब ये है फुल शॉर्ट हाफ शॉर्ट दोनों कंडीशन में अगर आपके पास ये मॉडल आता है बनाने के लिए तो आप इस कंपोनेंट और इसको, ये और ये दोनों को रिमूव करके आप देख सकते हैं। इसको और इसको दोनों को रिमूव करने के बाद मोबाइल का शॉर्टिंग हट जाता है, फुल शॉर्ट में और हाफ शॉर्ट दोनों में ये काम करता है। आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन भी है ये, ऑन है, वर्किंग कंडीशन में है और फुल शॉर्ट था ये मोबाइल, कहीं भी गर्म नहीं हो रहा था। इसको और इसको दो कैपेसिटर होता है, इसको रिमूव करने पर 99% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।